फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश का 8 नंबर का रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आता है, अगर आप कितने भी कमजोर हो इंग्लिश में, आप ये वीडियो देखने के बाद कहोगे सर मैं ये किसी भी चैप्टर का आएगा तो मैं आराम से कर लूँगा और ये 8 नंबर तो मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन कैसे करोगे, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है किसी भी चैप्टर का है आप कैसे करोगे, साथ में एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास ट्वेल्थ और टेंथ में 2019 से सभी यूट्यूब जितने भी चैनल है सबसे ज़्यादा टॉपर हमारे चैनल से निकले हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको इस चैनल के बारे में पता चल सके। और आप इस वीडियो को जरूर देखने के बाद कहोगे कि मैं इंग्लिश के पेपर में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तो आराम से कर सकूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लास 12 के इंग्लिश में 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अब आप पूछोगे क्योंकि आपको मतलब ही नहीं पता रहेगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का, तो आप करोगे कैसे, ठीक है। तो रेफरेंस मींस होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मींस प्रसंग, एक्सप्लेनेशन मींस व्याख्या, ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो अब मैं आपको बता दूं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 नंबर का ये स्टेप मार्किंग, 2 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, तो टोटल 8 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको अगर रेफरेंस लिखना है, ठीक है, तो रेफरेंस लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, लेसन नेम और राइटर नेम। लेसन नेम मतलब ये किस चैप्टर्स लिया गया है और किस राइटर ने इसको लिखा है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर आप रेफरेंस लिख दोगे, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है व्हाट राइटर वांट टू से फ्रॉम गिवन पैसेज। मतलब ये जो पैसेज आपको एक दिया जाता है, इस पैसेज के थ्रू राइटर क्या कहना चाहता है, ठीक है, इस पैसेज के थ्रू शॉर्ट में 2-3 लाइन में आप बताओगे कि राइटर क्या कहना चाहता है, इसको आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर जो लास्ट रहता है एक्सप्लेनेशन, वो 4 मार्क्स का आता है, उसमें लिखना रहता है आपको जो भी ये पैसेज दिया रहता है, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर देना रहता है, ठीक है, जो भी ये पैसेज दिया रहेगा आपको इसी को एक्सप्लेन कर देना रहेगा। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप अच्छे से समझ सको। फिर लास्ट में आपको बताऊंगा आप कैसे बिना भी कोई भी चैप्टर का है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, एक भी मिनट स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका जो पेपर आएगा उसमें इस टाइप का कुछ पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ पैसेज दिया रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना होगा और पता लगाना होगा किस चैप्टर से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्रेटेड एज सून एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वुबेन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, ठीक है। दे होल्ड अ बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। तो यहाँ पर आप जब ये आपको पता कर, सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको पता रहना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया और कौन से राइटर ने लिखा है। तो आप जब यहाँ पर ए गर्ल विथ बास्केट, ठीक है, तो यहाँ पर ये बास्केट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3 बार, ठीक है। तो आपको ये क्लू मिल गया कि ये किस चैप्टर से लिया गया, ये लिया गया है अ गर्ल विथ बास्केट से, आपके पहले चैप्टर से, ठीक है। अब आपको पहले चैप्टर का नाम पता चल गया, ठीक है, अब आपको क्या पता रहना चाहिए, अब चैप्टर का नाम, तो अब आपको राइटर का नाम पता रहना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, अच्छे से समझते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इंग्लिश प्रोज में से ही आएंगे, ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सिर्फ प्रोज के जो 8 चैप्टर हैं उसी में से किसी न किसी चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी 8 चैप्टर हैं उनके एक तरफ चैप्टर नेम और एक तरफ राइटर नेम, ठीक है, मतलब किसी भी चैप्टर से, A to Z किसी भी चैप्टर से आप फटाफट बोर्ड एग्जाम में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको एक क्लू मिल गया कि बास्केट यहाँ पर 3-4 बार है, तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि अ गर्ल विथ बास्केट चैप्टर से लिया गया, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया उस तरीके से राइटर नेम आप याद करो, तो आपको राइटर नेम ही पता चल गया, विलियम सी डॉगलस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप रेफरेंस का एक तरीके से हेडिंग डालोगे, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दोगे। अब आपको इसमें कुछ भी आपको अटपटा या ऐसा नहीं लिखना है जो राइटर, जो आपका एग्जामिनर है उसको समझ में ना आए, ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखना है
दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाई विलियम सी डॉगलस। मतलब कि ये जो लाइन है ये चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट से लिया गया और इसके रचयिता विलियम सी डॉगलस है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए और बच्चों से अलग करने के लिए आपको जो ये आपका जो ये बुक का नाम, जो ये चैप्टर का नाम रहेगा और ये जो राइटर का नाम रहेगा, इसको आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना रहेगा, ठीक है, ताकि जो आपकी एग्जामिनर है उसका तुरंत यहाँ पर ध्यान जाए और यहाँ पर आपको दो नंबर तुरंत मिल जाए, ठीक है। रेफरेंस में बता दूँ आपका दो नंबर रहता है, कॉन्टेक्स्ट पे दो नंबर और एक्सप्लेनेशन पे चार नंबर। अब मैं आपको बता दूँ आपको कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको सिंपली जो ये राइट ये दिया गया है पैसेज, ठीक है, इसी को एकदम शॉर्ट में बताना रहता है कि इसके थ्रू राइटर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कहना चाहता है, द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत। अब आपको मैं आपको ये भी बता दूं, आपको ये जो है ये जो पैसेज आता है इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, या तो आप हिंदी समरी ऑफ ऑल द चैप्टर तैयार कर लो, मतलब जो भी हिंदी मतलब जो भी चैप्टर है उसका हिंदी में आपको पता रहना चाहिए समरी कहानी, ठीक है। तो आप बोलो दो चीज में से मैं एक चीज कर सकता हूँ, या तो मैं सभी चैप्टर्स का हिंदी में समरी करके अलग अलग वीडियो बना दूं, या तो बोलो चैप्टर वाइज मैं रेफरेंस कॉन्टेंट एक्सप्लेनेशन बना दूं, ठीक है। जो चीज आप कमेंट करोगे मैं वो बना दूंगा, ठीक है। ये दो चीजें मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, जहां जहां जो चीजें आ रहे हैं मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना रहता है, आपको ये हिंदी में पता रहना चाहिए समरी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जो राइटर रहता है वो रानीखेत जाता है, ठीक है। तो राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत और वहाँ पर एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन बाय ट्रेन। तो वो जाता है एक पुराने ब्रिटिश आर्मी के हिल स्टेशन एरिया में, जो वो जाता है ट्रेन के थ्रू जाता है, ठीक है। एट वन ऑफ द स्टेशन द राइटर वॉज सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट टू हिम। अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें लिखा है कि मतलब जो राइटर रहता है वो हर स्टेशन पर उतर उतर कर पूछता रहता है, मतलब जो भी स्टेशन पर खड़े रहते हैं आदमी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो जाती है। तो उसी तरह वो एक स्टेशन पर उतरता है तो वहाँ पर बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। एट वन ऑफ स्टेशन द राइटर वॉज सराउंडेड बाई ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और हु वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट टू हिम, और वो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरा बास्केट आप ले लीजिए, वो बेचना चाहते हैं अपने बास्केट को राइटर से, ठीक है। तो यहाँ तक आप कॉन्टेक्स्ट में लिख दोगे, मतलब जो इस पैसेज में राइटर बताना चाहता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो रहेगा मेन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आपका टोटल चार नंबर का रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना रहता है, एक्सप्लेनेशन में जो ये पैसेज दिया है रेड पेन से, इसमें से आपको इसी का बस एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देना रहता है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं एक्सप्लेनेशन, आप डायरेक्ट ऐसे हेडिंग डाल एक्सप्लेनेशन और इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एंड एवरी स्टेशन। मैंने आपको बताया जैसे कहानी में है कि जो स्टेशन जो ट्रेन रहता है वो बहुत स्लो चलता है और हर स्टेशन पे रुकते चलता है, ठीक है। तो ये लिख दोगे एट एवरी स्टेशन द राइटर यूज टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड टॉक विद द पीपल हु वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब हर स्टेशन पर जो राइटर रहता है वो उतरता है और जो ट्रेन के जो वहाँ पर रहता है रेल यात्री, ट्रेन के पास जो यात्री खड़े रहते हैं उनसे वो बातचीत करता है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। ऑन वन सच स्टेशन हु ही डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रेन हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म वॉज इंटरप्रेटेड वेन ही वॉज सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसी तरह जो अगला स्टेशन वो हर स्टेशन पर उतरता है, तो जब वो अगला स्टेशन पर उतरता है तो जो बच्चों का झुंड रहता है उसे घेर लेता है, तो वो किसी से बात नहीं कर पाता है। तो जब बच्चे उसे घेर लेते हैं हु वर सेलिंग बास्केट, और जो बच्चे क्या करते हैं वो बच्चे अपना बास्केट बेचते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईच ऑफ दोज चिल्ड्रेन हेल्ड एयर बास्केट हाई, मतलब कि जो भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो अपने हाथ से अपना बास्केट को ऊपर करते हैं कि राइटर सबसे पहले उसका बास्केट को खरीद ले, ठीक है, सो दैट द राइटर माइट बाई फ्रॉम देम। मतलब जो भी बच्चे रहते हैं वो अपना बास्केट को ऊपर हाथ से करते हैं ताकि राइटर उनके बास्केट को ही खरीदे। थो द राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, पर जो राइटर रहता है वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता है, ही कुड फील देयर डिजायर टू अर्न मनी बाई सेलिंग बास्केट। परंतु जो राइटर रहता है वो उनकी भावनाओं को समझ लेता है कि ये बास्केट को बेच कर कुछ पैसा अर्न या कमाना चाहते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या रहेगा, जो भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए आपको सबसे पहले लेसन नेम, राइटर नेम, फिर आपको जो भी चैप्टर है उनका हिंदी में समरी पता रहना चाहिए, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ बातें क्लियर होंगी। अब मुझे आप बता दो कि हिंदी का समरी मैं सभी चैप्टर का बताते चलूँ या फिर मैं हर चैप्टर का चैप्टर वाइज रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवाते चलूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अब तक हमारा आपने टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करो, इसमें आपको सारी सुविधाएँ नोट्स PDF वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप आराम से 85+ स्कोर कर सकते हो, जैसा कि 2019 से काफ़ी बच्चों ने किया है, 92% तक भी शुभम क्लासेस से पढ़ाई कर पाया है, ठीक है। तो आप इसी तरह चाहते हो सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टॉप 100 बैच ज्वाइन करने के लिए 70 84 81 7 00 पर मैसेज करो कि सर हमें आपका ये जो ग्रुप है टॉप 100 मुझे ज्वाइन करना।